नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ब्लारिया टिप्स एंड टॉक्स में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा रफेल डील को लेकर के। रफेल डील को लेकर के हमारे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है तथा जैसे जैसे इलेक्शन पास आते जा रहे हैं ये इशू और ज्यादा उछाल लेता जा रहा है। वैसे तो इलेक्शन के टाइम पे किसी भी देश में जो इशू उठना चाहिए वो विकास को लेकर उठना चाहिए, कंट्री ने कितना ग्रोथ किया तथा जो मौजूदा सरकार है उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या कमिटमेंट करी थी वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन हमारे देश में जो इशू चल रहा है वो चल रहा है रफेल डील को लेकर के या एयर स्ट्राइक को लेकर के। आज मैं आपसे बात करूंगा रफेल डील के बारे में, उसमें मैं आपको जो जो अब तक हुआ है वो जानकारी दूंगा तथा डिसीजन लेना आपका काम है कि क्या उसमें कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। भारत सरकार ने 2007 में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA खरीदने की प्रक्रिया को शुरू किया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री रहे श्री AK एंटनी ने इंडियन एयरफोर्स की सुझाव को, जो कि 126 विमान के थे, उसको हरी झंडी दे दी थी। इस डील में जो जो एयरक्राफ्ट लेने की बात की गई थी उनमें थे अमेरिका का बोइंग FA-18, ब्रिटेन का यूरोफाइटर, अमेरिका के लॉकेट मार्टिन F-16, रशिया का MiG-35, स्वीडन का ग्रेपिन और फ्रांस का रफेल। एक लंबी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2012 में इसकी बोली लगाई गई। अब आप सोचेंगे 2007 से लेकर के 2012 तक सिर्फ इसमें डिस्कशन ही चलता रहा, नेगोशिएशन ही चलता रहा, अभी डील ही नहीं हुई थी तो इसकी बोली लगाई गई 2012 में दिसंबर में। अच्छा, जब इसकी बोली लगाई गई तो उसमें इसके लिए जो सिलेक्ट किया गया वो कंपनी थी डसॉल्ट एविएशन, जो फ्रांस की कंपनी थी। उसका रीजन था कि डसॉल्ट एविएशन के जो प्राइसेस थे वो बहुत कम थे। इस डील के अकॉर्डिंग जो डसॉल्ट एविएशन थी उसको 18 फाइटर प्लेन इंडिया में डिलीवर करने थे, बिल्कुल बने बनाए तैयार, तथा बाकी के 108 फाइटर प्लेन हिंदुस्तान में बनने थे, जिसकी जो वो थी वो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया था। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL तथा डसॉल्ट एविएशन में किसी बात को लेकर के सहमति नहीं हो पा रही थी कि जो डसॉल्ट एविएशन थी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाने वाले जो जहाज जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL ने बनाने थे उनको उनके सर्टिफिकेशन को लेकर के एकमत नहीं हो पा रहे थे तथा साथ में प्राइस का नेगोशिएशन भी चल रहा था। 2012 से लेकर के 2014 तक इस डील में कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया तथा 2014 में मोदी सरकार आ गई। 2014 से 2015 के बीच में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू हुई। अब मैं कुछ आपको डेट्स बताऊंगा, वो प्लीज नोट करिएगा। 25 मार्च 2018 को डसॉल्ट एविएशन के CEO एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये बताते हैं कि HAL के साथ जो उनकी डील चल रही है अब उसमें मैं थोड़ा सा संतोषजनक स्थिति में पहुंचा हूं। इसका मतलब क्या है कि उससे पहले वो सेटिस्फाइड नहीं थे और वो कहीं मैं दोनों में आपस में डील सेटल नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा संतोष में आ गया हूं। 8 अप्रैल 2015 को एक स्टेटमेंट आया था फॉरेन सेक्रेटरी का, जो उन्होंने अपने उसमें स्टेटमेंट में बोला था कि ये जो नेगोशिएशन की प्रक्रिया है ये अभी भी जारी है। अब होता क्या है, 10 अप्रैल 2015 को मोदी जी फ्रांस जाते हैं और वहां पे वो मोदी जी और जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो एक साझा बयान देते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि 36 रन उसको लेने का समझौता लगभग तय हो गया है। ये उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था उनका, डील फाइनल नहीं हुई थी, उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिया था, ठीक है। अब सितंबर 2016 में इसकी डील साइन होती है 59,000 करोड़ में, इसकी ये डील साइन होती है। 36 रफेल विमान जो फाइटर प्लेन है बने बनाए हिंदुस्तान को डिलीवर करने की। अब बात आती है कि कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी जी ने क्या क्या इशू उठाए थे, तो चले एक एक करके उनके क्वेश्चंस पे पहले सोचते हैं फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग किए बिना
इतना डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया, ये पहला पॉइंट था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हटा करके अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस को क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा था, उन्होंने उन्होंने बोला कि जब राफेल वहां से बने बनाए आने हैं इंडिया में, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हीं का जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है जो मोदी जी चला रहे हैं अभियान, उसको उन्होंने, उसकी बेइज्जती करी है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो डिलीवर 36 बने बनाए जो फाइटर प्लेन है वो इंडिया में डिलीवर होंगे, दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों ये दोनों आपस में कंफ्लिक्टिंग है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि एक्चुअल में एचएएल के बदले, पहली चीज तो एक चीज समझनी होगी आपको कि एचएएल के बदले में जो अनिल अंबानी की कंपनी है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। अनिल अंबानी की कंपनी एक अलग सौदे के तहत, जिसको ऑफसेट क्लॉज बोलते हैं, उस क्लॉज के तहत उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी सरकार ने डील करी है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। यूपीए ने करी थी ग्लोबल टेंडर के बेस पे, इन्होंने करी है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। तो अगर डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो उसमें कोई करप्शन होने का जो कोई मसला ही नहीं है कि उसमें करप्शन हो सके। उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि कोई भी एक गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट को कभी भी रिश्वत, ब्राइब या उसमें कोई घोटाला हो ही नहीं सकता, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अगर मोदी सरकार ने घोटाले किए हैं, अगर मोदी जी घोटाले करते तो मोदी जी के जो रिश्तेदार हैं या मोदी जी के भाई बहन जो हैं, वो आपको भी पता है कैसी जॉब करते हैं, या उनका अपना बड़ा बिजनेस होता और वो भी आज किसी कहीं किसी सीट पे नेता बनकर बैठे हुए होते, तो घोटाले वाली यहां पे कोई स्कीम हमें नजर नहीं आती। दूसरी बात, उन्होंने जो बोला था कि प्राइसिस को लेकर के, कि ये जो राफेल खरीद रहे हैं मोदी जी, इनकी कीमत जो है वो यूपीए सरकार ने जो टेंडर किया था, सॉरी वो हुआ नहीं था बट जो डील चल रही थी उससे 3 गुना ज्यादा है। तो अब देखते हैं इसमें एक्चुअल में है क्या। जो देखिए यूपीए गवर्नमेंट ने जो डील करी थी उसमें वेपन्स, मिसाइल, मेंटेनेंस, इन सबको लेकर के कोई जिक्र नहीं था। बेसिकली वो डील सिर्फ फाइटर प्लेन खरीदने की थी। जब मोदी सरकार ने ये डील करी तो उसमें एड ऑन सर्विसेज जो है, एड ऑन फैसिलिटीज और मिली, वो क्या क्या मैं बताता हूं आपको। नंबर एक, वेपन, मिसाइल, उसमें मिसाइल और उसकी जो परफॉर्मेंस गारंटी है, वारंटी उसकी और एनुअल मेंटेनेंस, इस तरह की चीजों को एड ऑन किया गया था। अब मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, 7-8 लाख की गाड़ी है, आप उसका बेसिक मॉडल खरीदते हैं, ना उसके साथ आप मेंटेनेंस लेते हैं, ना इंश्योरेंस लेते हैं, इस तरह की और कोई सर्विसेज नहीं लेते हैं और मेंटेनेंस भी नहीं लेते हैं। तो आपको जब ये सब सारी चीजें ऐड होगी, आप उसमें लग्जरी ऐड करोगे और कई चीजें ऐड करोगे, तो उसकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी, एक चीज तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि 2007 से लेकर के 2016 तक इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, बता ना महंगाई बढ़ गई, आप बोलते हो इन्फ्लेशन कितना बड़ा होगा, और एक्सचेंज रेट का डिफरेंस, मतलब इंडिया का जो रुपया है वो यूरो के मुकाबले कितना कमजोर रहा है, वो सारी चीजें उस टाइम पे देखी जाती हैं। तो इन वजहों से, इन एड ऑन फैसिलिटीज को लेकर के उन जो प्लेन थे, फाइटर प्लेन थे, उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। दूसरी बात, उसके जो पार्ट्स थे दोस्तों वो इतने ज्यादा महंगे आते हैं कि उनको डिलीवरी करवाना टाइम पे वो भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। तो इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को ऐड कर लिया था। दूसरा, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल हिसाब से, क्योंकि हमें सियाचिन में एक तरफ लड़ाई करनी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे सामने है, तो हमें वो फाइटर प्लेन उस कंडीशंस में चाहिए थे, हमारे भारत के कंडीशंस के अकॉर्डिंग चाहिए थे। इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए उसके प्राइसिस में इंक्रीज हुआ। अब आ जाते हैं एचएएल को क्यों निकाला तथा अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों इंट्रोड्यूस किया। ये मैंने जैसे पहले ही बोला, अनिल अंबानी की कंपनी को इंट्रोड्यूस करना ये सही चीज नहीं है, मतलब ये गलत चीज बताई जा रही है। बेसिकली एचएएल को हटाया, ये सही क्वेश्चन है। उसका रीजन है बहुत बड़ा, जो डसोल्ट एविएशन थी, जो फ्रांस की कंपनी है, वो एचएएल के जो काम करने का तरीका है या जो डिलीवरी देनी थी उन्होंने, जो इंडिया में उन्होंने फाइटर प्लेन बनाने थे, उसको लेकर के उन लोग वो गारंटी देने को तैयार नहीं थे, वो सर्टिफिकेशन देने को तैयार नहीं थे उन प्लेन जो इंडिया में बनने थे।
दूसरी बात, जो एचएएल ने मैन पावर बताई थी डसॉल्ट एविएशन को कि इंडिया में मेरी इतनी मैन पावर लगेगी, ये फाइटर प्लेन जो 108 फाइटर प्लेन बनने थे उसमें, वो मैन पावर के लिए डसॉल्ट एविएशन जो थी वो खुश नहीं थी, वो एग्री नहीं कर रही थी कि इतनी मैन पावर जो है लग जाएगी। तीसरे, यूपीए सरकार ने 2012 में खुद एक एफिडेविट के तहत ये बोला था कि जो एचएएल है वो जो तेजस विमान बना रही है उसकी डिलीवरी को लेकर के हम बहुत ज्यादा चिंता में हैं, तथा ये जो MiG-21 की जो मेंटेनेंस वो कर रहे हैं एचएएल, उसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है और जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका कारण वही है। अब आप समझ सकते हो 1983 में एचएएल को तेजस बनाने का ऑर्डर मिला था, 40 तेजस उन्होंने डिलीवर करने थे, वो आज तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो कैन यू बिलीव कि वो 126 फाइटर प्लेन राफेल वो हिंदुस्तान में बना पाते और उसकी टाइम पे डिलीवरी दे पाते। दोस्तों मैं उनकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या जब वो 40 फाइटर प्लेन डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो क्या 126 डिलीवर कर पाते? दूसरी चीज, एके एंटनी साहब ने 2012 में एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि वर्तमान गवर्नमेंट के पास 126 फाइटर प्लेन खरीदने का पैसा ही नहीं है। ये आप गूगल करके सर्च कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम नहीं खरीद सकते हैं। जब आप 126 फाइटर प्लेन नहीं खरीद सकते तो आपने 126 की डील के लिए बात ही क्यों करी? आप 18 मंगवा लेते, 20 मंगवा लेते, जब आपके पास पहुंच नहीं थी तो आपने खुद ऐसा क्यों किया? अब आ जाते हैं बात अनिल अंबानी की कंपनी के बारे में, कि अनिल अंबानी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए, अनिल अंबानी की कंपनी को एक ऑफसेट क्लॉज होता है, उसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये क्लॉज जो था ये खुद कांग्रेस की सरकार ने डिसाइड किया था कि जब भी कोई इस तरह की डील होती है तो उसमें 50% का ऑफसेट क्लॉज होता है। वो क्लॉज ये होता है कि जिस कंपनी को, जिस कंट्री को हम पैसा दे रहे हैं, वह 50% पैसा इंडिया में लगाएंगे। अब 59,000 करोड़ का जो 50% होता है, 29,000 करोड़ होता है, तो वो उनको इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है। अब इसमें इन्होंने बोला कि अनिल अंबानी की कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अनिल अंबानी की इकलौती कंपनी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसमें 100 से अधिक कंपनियां हैं, 100 कंपनियां कम से कम जिन पे ये इन्वेस्टमेंट होगा, और 3% केवल अनिल अंबानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए इन चीजों को लेकर के कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, कितने ज्यादा बवाल जो है वो मचाया गया है। अगर मान लीजिए अनिल अंबानी की कंपनी नहीं होती तो कोई दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती, और अगर कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को नहीं आना चाहिए था, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इंट्रोड्यूस करने का सुझाव ही क्यों दिया था? ये तो उन्हीं की सरकार ने किया था। अच्छा, तीसरा वो कहते हैं कि भैया मोदी जी ने इस क्या बोलते फ्रांस से सारे के सारे बने बनाए विमान लेकर के जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जो उनका अभियान है उसकी बेइज्जती करी है। भाई क्यों बेइज्जती करी है? रिक्वायरमेंट देखिए, क्विक डिसीजन, जो डिसीजन 7 से लेकर के आप 14 तक नहीं ले पाए, उन्होंने एक साल के अंदर वो डिसीजन ले लिया। दूसरी चीज, मेक इन इंडिया में अगर उनको इंडिया में बनाते हैं, क्योंकि इंडिया में भी टेक्नोलॉजी उस लेवल की जो फाइटर प्लेन बनाने की है नहीं, और अगर उसकी वजह से डिले चलता तो हमारी इंडियन एयरफोर्स को वो विमान जो है उनकी नीड थी, उसको L1 डिक्लेयर किया था 2012 में खुद यूपीए गवर्नमेंट ने कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट है उसकी नीड जो है। तो इसीलिए मोदी जी ने उनको वहां से ही, फ्रांस से ही बने बनाए प्लेन प्लान जो प्लेन है वो डिलीवर करने के लिए बोला था, और फर्स्ट जो डिलीवरी होनी थी वो 2019 सितंबर में होनी थी। अब आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं इनसे इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कौन सी सरकार की क्या नीति है। दोस्तों एलिगेशन लगाना बहुत इजी हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। मैं ये कहता हूं कि खुद यूपीए गवर्नमेंट ने जब इसको L1 डिक्लेयर किया हुआ था, इसकी नीड को इतनी अर्जेंट नीड थी, तब उन्होंने जाकर के खुद क्यों नहीं खरीदे? दूसरी बात, उन्होंने 2007 से लेकर के 2014 तक का, 2007 से 2014 तक का इतना ज्यादा टाइम जो है इन्होंने अपने आप क्यों लगाया? दूसरी बात, जब उनके सरकार के पास पैसे नहीं थे तो वो खरीद लेते, वो 20 प्लेन खरीद लेते, 40 खरीद लेते, 126 प्लेन लेने की जरूरत क्या थी? तो इस तरह के अगर क्वेश्चन उठाने लगे तो खुद जो अपोजिशन पे हैं उन पे उठाए जा सकते हैं। एचएएल को लेकर के वो बोल रहे हैं, उन पे खुद क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि आज तक तेजस की डिलीवरी क्यों नहीं हुई।
तो ये ऐसे कुछ मुद्दे थे जिनको जबरदस्ती उछाला गया। अब आप बोलोगे जब वर्तमान सरकार या मोदी सरकार इतनी क्लीन चिट है तो इसमें इतने बवाल क्यों आ रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कुछ स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से भी अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आए जिसकी वजह से आग में घी डालने का काम किया। जैसे कि जो मनोहर पर्रिकर थे उन्होंने 13 अप्रैल को, 10 अप्रैल को मोदी जी डिक्लेयर करते हैं, 13 अप्रैल को मनोहर पर्रिकर जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये डिसीजन मोदी जी ने लिया है और मैंने बैकअप बैकआउट कर गया हूं मैं इसमें। तो ये स्टेटमेंट। दूसरी सीतारमन जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, पहले उन्होंने बताया था कि ये मुद्दा जो है क्योंकि रक्षा से रिलेटेड है, देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, इसलिए हम इसके प्राइस डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और उन्होंने फिर बाद में प्राइस डिस्क्लोज किए। तो ये कुछ एक आध स्टेटमेंट जो है इनकी तरफ से भी उसमें इधर उधर हुआ है, इन्होंने पहले ये स्टेटमेंट दी फिर वो दी, लेकिन इसका मतलब उससे ये साबित नहीं हो जाता कि इस डील में धोखाधड़ी है या मोदी गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया हुआ है। मोदी गवर्नमेंट की तो तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने क्विक डिसीजन लिया और एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे हमें जो हमारी नीड थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो अर्जेंसी थी, हमें उसको फुलफिल करने का काम शुरू किया। अब इस मुद्दे को जितना लटकाया जाएगा उसमें उतना डिले होगा। अभी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगी। अब मैं आपको बताता हूं कि विपक्ष इस मुद्दे को क्यों उछाल रहा है, और वो भी इलेक्शन के टाइम पे। देखिए क्या हुआ था 1987 में, शायद आप भूल गए होंगे, उस टाइम पे एक कांग्रेस सरकार पर एक एलिगेशन लगा था बोफोर्स को लेकर के, जो बोफोर्स की तोपें स्वीडन से खरीदनी थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप देख सकते हैं गूगल करके। तब ये इशू उठा था कि उसमें जो स्वीडन की कंपनी है उसने 1.42 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी है जो तोपे खरीदनी थी उसके लिए। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मामला सेटल हो गया वहीं पे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 1987 में जब ये इशू उठा था, 1989 में कांग्रेस की सरकार की इसी इशू की वजह से बहुत बुरी हार हुई थी। तो कांग्रेस के दिमाग में ये चल रहा था कि इस टाइम पे अगर इस इशू को उठाते हैं तो ये एक अच्छा इशू मिल जाएगा वर्तमान सरकार को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, रक्षा से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, उन पे इस तरह की राजनीति गंदे तरीके से होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करिए तथा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।